एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ममता ब्लॉग में आपका स्वागत है। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग है शनिवार का, शनिवार की सुबह का ये ब्लॉग है। सुबह बच्चे मेरे स्कूल गए चले गए हैं, तो मैं अब फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा आप ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी अब जल्दी गाड़ी आने लगी है। वैसे तो 9 बजे आती थी, तो मैं सुबह बना लेती थी ब्लॉग। तो इस वजह से अब मैं नहीं सुबह बना पाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे गाड़ी आ जाती है, और कितनी भी जल्दी करो तो बच्चों में देर हो जाती है, 3 बच्चों का लंच वगैरह तैयार करने में। तो देखिए, मैं हमारे ममता ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बड़ों के लिए प्रणाम और छोटों के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कल कुछ सामान मैंने मंगाया था मार्केट से, ख़त्म हो गया था घर का। तो वो मंगाया था, वो मैंने अभी निकाल के नहीं रखा है, तो मैं अब निकाल के रखूँगी और देखती हूँ क्या क्या लेके आए थे। और तो बने रहिएगा, देखिएगा आप लोग भी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी ऊपर, कपड़े धोने रखे थे, तो मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या क्या आया है मार्केट से सामान, क्योंकि धूप अभी निकली हुई है तो कपड़े पहले सूख जाएं। तो मैंने स्टैंड लगा के रख दिया, स्टैंड में वीडियो ही नहीं बनी वीडियो मैंने स्टार्ट नहीं की। तो देखिए, मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और मैंने बाद में चेक की, देखती हूँ कितनी वीडियो बन गई, वो कुछ भी नहीं बनी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर ऐसे ही ब्लॉग बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं, धूप बहुत तेज़ है, धूप में समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रहे कपड़े। तो देखिए, ये मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं चलिए चलती हूँ नीचे, अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जो सामान आया है मार्केट से, क्योंकि आप लोग कहोगे कि बस अब कपड़े दिखाने लगी, जो बता रही हूँ वो नहीं दिखाया। तो मैं अभी चलती हूँ। देखिए, मैंने कपड़े यहाँ पर डाल दिए, कंबल वगैरह धुल दिए थे, क्योंकि सर्दी अभी तक धूप नहीं निकलती थी अच्छे से, आज धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि कपड़े वो कंबल वगैरह धुल देती हूँ। बेड शीट रह गई हैं, वो बाद में धुलूँगी, और रजाई के कवर वगैरह कंबल धुल दिए हैं मैंने। तो देखिए, ये ऊपर छत का लुक है, ऊपर का है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ आ रहे हैं, देखना अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए, चलिए अब चलती हूँ मैं नीचे, अब दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, देखती हूँ क्या क्या आया। तो ये देखिए, जम्बू बैग है, जम्बू बैग में आया ये बैग, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टब आया है, ये टब मैंने मंगाया था, बर्तन जो धुलते हैं ना किचन में, उसका पानी नीचे चला जाता है, तो मैंने इसलिए ये टब मंगाया था। तो टब ये छोटा है, पर मैंने तो बड़ा बताया था, ये छोटा है, चलो कोई बात नहीं, सही है। देखिए क्या है, ये तो सब्जी है, पहले मैं सब्जी को निकाल लेती हूँ। ये तो सब्जी है, इसमें पालक है, इसमें टमाटर है, ये अदरक है, ये धनिया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आया है, ये हैंड वॉश आया है, ये हैंड वॉश आया है, और देखिए क्या क्या आया, ये हार्पिक आया है, ये भी खत्म हो गया था। ये बर्तन धोने के लिए आया है, ये लोकेट आया है, ये फर्श वगैरह साफ करने के लिए, टाइल्स गंदी हो गई थी तो मैंने इसलिए ये मंगाया थे ना।
ये चाय पत्ती है ये डिब्बे में कर लूंगी क्योंकि चाय पत्ती खत्म भी हो गई। उसके बाद ये सामान लगाऊंगी मैं। गीला है कपड़े से पोंछ। देखिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया वीडियो मेरा, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो देखिए, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।